स्वागत है। देश भर में 3 मई को ईद मनाई जाएगी। सोमवार को रमजान महीने का आखिरी रोजा रखा जाएगा और मंगलवार को पूरे देश में ईद उल फितर की नमाज पढ़ी जानी है। रविवार को देश में सभी मौलानाओं ने आधिकारिक रूप से घोषणा करते हुए बताया कि ईद का चांद नजर नहीं आया। 3 मई को ईद की नमाज अदा की जाएगी। चांद कमेटी के तरफ से ऐलान किया गया है कि पूरे देश में जो ईद है वो 3 तारीख को मनाई जाएगी। ईद उल फितर पर्व जो है अब वो 3 मई को मनाया जाएगा। मरकजी चांद कमेटी फरंगी महली का ये ऐलान। और कफील हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और सिमाब नकवी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सिमाब, देखिए कल ईद का चांद कहा जा रहा था कि दिखेगा, वो दिखा नहीं, अब आज की जगह कल ईद मनाया जाएगा, तो किस तरीके से ईद की तैयारी अब है? देखिए, ईद की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन पहले से सख्त है और तमाम जगहों पे जो है वो उलेमाओं के साथ उन्होंने बैठक भी की है। लखनऊ में 2 मुख्य जगह हैं जहां पर ईद की नमाज अदा कराई जाती है। एक बड़े इमाम बाड़े में आसिफी मस्जिद में, जहां मौलाना कल्ब जवाद नमाज अदा कराते हैं शिया समुदाय के लोगों को, और दूसरा ईदगाह ऐशबाग जहाँ पर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली जो है वो नमाज अदा कराते हैं। दोनों जगह पर बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं। दरअसल कल चांद देखा गया था लेकिन चांद नहीं आया, तो चाहे वो शिया चांद कमेटी हो या सुन्नी चांद कमेटी हो, दोनों के उलेमाओं ने ऐलान किया था कि आज आखिरी रोजा है और कल ईद मनाई जाएगी, तो उस लिहाज से आज लोगों ने रोजा रख रखा है और कल ईद मनाई जाएगी। इसको लेकर नगर निगम की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं, साफ सफाई की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं और साथ ही साथ जो दीगर डिपार्टमेंट हैं उन लोगों को भी कहा गया है कि किसी तरह की कोई कोताही इस पूरे मामले में न बरती जाए। तो बहरहाल कल ईद का पर्व जो है वो मनाया जाएगा और ये पर्व रमजान के 1 महीने के रोजे रखने के बाद जो है वो मनाया जाता है और वो आज आखिरी रोजा है। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है, लोग बाजारों में खरीदारी भी कर रहे हैं और बड़ी संख्या में बाजारों में भीड़ भी उमड़ रही है। शिवांगी जी बिल्कुल, और देखिए सिमाब कल ईद का त्यौहार और ऐसे में पुलिस सुरक्षा चाक चौबंद होगी। कल के दिन बाजारों में आपने बताया रौनक भी है, तो ऐसे में कल का दिन जो होगा और आज की जो खरीदारी होगी किस तरीके से उसको लेकर सुरक्षा भी देख पा रहे हैं अलग अलग जगहों पर? देखिए, ये जो महीना होता है रमजान का, इसके आखिरी दिनों में बाजारों में रौनक जो है वो अपने आप दिखने लगती है क्योंकि लोग ईद की खरीदारियों में लग जाते हैं और चाहे ये लखनऊ के जो भी मुख्य बाजार हैं, चाहे वो नक्काश बाजार हो, चौक बाजार हो, अमीनाबाद बाजार हो, जो कि मुस्लिम इलाके जहाँ पे ज्यादा हैं, तो उन इलाकों में भीड़ भाड़ ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि देखा जाता है कि ईद की तैयारियों को लेकर चाहे वो गरीब तबके के लोग हों, चाहे मिडिल क्लास लोग हों, चाहे अपर क्लास लोगों, सभी लोग खरीदारी करते हैं क्योंकि ईद का पर्व मुसलमानों के लिए एक बड़ा पर्व है और ये पूरे दुनिया में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सिमा तमाम जानकारियों के लिए। कानपुर से खबर